मुरादाबाद के शिवालयों में भोर से भारी भीड़ नजर आई। सावन के सातवें सोमवार पर भी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिरों में भारी पुलिस बल तैनात था। सावन के इस सातवें सोमवार पर 2 साल के बच्चे ने भी जलाभिषेक किया और प्रार्थना की। बताया गया कि ब्रजघाट से अपने माता पिता के साथ जल भरकर 84 घंटा मंदिर और झारखंडी वाला मंदिर में पहुंचकर जल अभिषेक किया और सभी ने इस बच्चे की भक्ति को देखकर उसकी जमकर सराहना की। मुरादाबाद जिले में सावन के सातवें सोमवार को शिव मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही शिव भक्तों की लंबी लंबी कतार शिवालयों में लगी रही। मंदिरों में पहुंचे श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ अभिषेक किया तो वहीं जनपद के सभी प्रमुख मंदिरों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त जिला प्रशासन के द्वारा किए गए। आज सावन का सातवां सोमवार है और भोर से ही जिले के सभी शिवालयों में भक्तों का मेला देखने को मिला। जलाभिषेक करने वाले भक्तों का मंदिर में आने का सिलसिला जारी है। मंदिरों का परिसर हर हर महादेव की गूंज से गुंजायमान नजर आया। मुरादाबाद जनपद के नागफनी क्षेत्र स्थित प्राचीन 84 घंटा मंदिर और झारखंडी मंदिर और अन्य मंदिरों पर भी भक्तों का तांता लगा रहा। शिव भक्तों ने जल और दूध का अभिषेक कर भगवान शिव से मंगल कामना की। सावन के सातवें सोमवार को शिव मंदिरों में भारी भीड़ नजर आई और सुरक्षा के बंदोबस्त भी नजर आए। जनपद के प्रमुख मंदिरों के अलावा अन्य स्थानों पर पुलिस प्रशासन द्वारा सभी भारी पुलिस बल तैनात रहा। 84 घंटा मंदिर, झारखंडी मंदिर, मनोकामना मंदिर सहित मंदिरों में पुलिस कर्मी मुस्तैद रहे तो वहीं दूसरी तरफ अराजक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर भी रही। नाम है आपका? संदीप अग्रवाल। संदीप, आप कहाँ से जल भर के लेके? ब्रजघाट से। कितने वर्षों से आप लेते आ रहे हैं? 8 साल हो गए। कहाँ कहाँ पे चढ़ाते हैं? मैं 84 घंटे का मंदिर चढ़ाता हूँ, फिर आपके ये नट बाबा का मंदिर और फिर हमारा चामुंडा का मंदिर। जी, किस उम्मीद के साथ क्या आपकी आशा? आशा कोई नहीं, अपना वो है बस भगवान के प्रति आस्था की, बस थोड़ा जल चलाना। सावन के दिन अच्छा होता लाना ये जल और महादेव को चलाना माना गया है ये। मुरादाबाद जनपद में रहने वाले शुभम गोस्वामी ने अपने परिवार सहित 2 साल के बच्चे के साथ ब्रजघाट से गंगा जल लाकर मुरादाबाद के नागफनी थाना क्षेत्र स्थित प्राचीन 84 घंटा मंदिर और झारखंडी मंदिर पर जल अभिषेक किया। आपको बता दें कि हर साल शुभम गोस्वामी अपने बच्चों सहित अपने परिवार के साथ 2 साल से ब्रजघाट से गंगा जल लाकर मुरादाबाद के प्रसिद्ध मंदिरों पर जल अभिषेक करते हैं। उन्होंने कहा कि हम परिवार में खुशहाली के लिए ब्रजघाट से गंगा जल लाकर मंदिर पर जल अभिषेक करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा शुभम गोस्वामी। शुभम, ये आपका बच्चा कितने साल का है? और ये 2 ईयर्स का है। इसका बिहान गोस्वामी। अच्छा, तो आज आप कहाँ से जल भर कर ले गए? हम ब्रजघाट से। कौन कौन गया था आपके साथ? मैं, मेरा बेटा, मेरी वाइफ, मम्मी और लोग। जी, जल भर के ले गए। जी, कहाँ पे गए हैं और पहले कहाँ कहाँ से जल चढ़ाया? हम यहाँ का झारखंड मंदिर में चढ़ाया है, अब 84 घंटे पे चढ़ाए हैं। किस उम्मीद के साथ और किस आशा के साथ? बस यही उम्मीद है, हमारा परिवार खुश रहे हमेशा, बढ़िया रहे। पहली बार आपके साथ गया था? ये सेकंड टाइम गया, फर्स्ट ईयर का था जब भी गया था, सेकंड ईयर से हुआ जब भी गया। पहले जो गया था 1 साल का था, 2 साल का था। जी, तो आप हर साल लेके जाएंगे? आप जब तक बुलाएंगे तब तक तो जाएंगे।